दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर उनसे दिल्ली का बजट नहीं रोकने की गुहार लगाई। केजरीवाल ने अपने पत्र में कहा कि ऐसा देश के 75 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब किसी राज्य के बजट को रोक दिया गया हो। हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में तंज कसते हुए कहा कि कुछ ज्योतिष कह रहे हैं कि सरकार का गठन अस्थिर नक्षत्र में हुआ है, ऐसे में ये पता नहीं कि सरकार कब तक चलेगी। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश ने किसानों की तोड़ी कमर। प्रदेश भर में खराब मौसम के कारण 25 जिलों में 1,39,000 हेक्टेयर में फसल खराब हुई। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी के बीच स्वास्थ्य अधिकारियों का कहा कि चिंता जैसी कोई बात नहीं, ऐसा मौसम में उतार चढ़ाव के कारण हो रहा है। पंजाब के कुछ जिलों में आज मोबाइल इंटरनेट सेवा होगी बहाल, लेकिन तरनतारण, फिरोजपुर, मोगा, सगरूर सब डिवीजन, मोहाली में बाईपास चौक से 23 मार्च तक मोबाइल इंटरनेट बंद रहेगा। देश के अधिकतर हिस्सों में बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया, हालांकि कई राज्यों में लगातार बारिश से हालात खराब भी हुए हैं। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में ही गरज के साथ बेमौसम बारिश होने की जताई थी संभावना। अरुणाचल प्रदेश के कुछ अन्य राज्य असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी ने असम और मेघालय को सोमवार के ऑरेंज अलर्ट पर रखा था, वहीं बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी। रायबरेली हरचंद थाना क्षेत्र के गंगागंज रेलवे लाइन के पास एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। रायबरेली में आईएमए के जिला अध्यक्ष के घर पर लाखों की हुई चोरी। चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद, जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में एक युवक ने मरने से पहले बनाया वीडियो। वीडियो में युवती के साथ धोखा देने की बात कही, जिसके बाद दोस्त के फ्लैट में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। बिजनौर के थाना स्वर्ग के ठाकुर द्वार मार्ग पर एक अज्ञात वाहन ने कार को रौंद दिया और वहां से फरार हो गया। कार में सवार फंसे ड्राइवर को राहगीरों ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। बदायूं में एक कार और स्कूली बस में जोरदार टक्कर होगी। हादसे में 6 लोग घायल हुए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। सभी महिलाएं सहायता समूह के कार से वापस लौट रही थी। यूपी के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरेशी पर पुलिस और प्रशासन का कसता जा रहा शिकंजा। मेरठ पुलिस ने हाजी याकूब कुरेशी की 31.70 करोड़ रुपए की मूल्य की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी की। रायबरेली में एनटीपीसी परियोजना की यूनिट नंबर 1 और 2 तकनीकी खराब की वजह से हो गई बंद। यूनिट बंद होने से 420 मेगावाट बिजली उत्पादन कम हुआ। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर मरम्मत का काम शुरू करवाया। रायबरेली मिलेरिया थाना क्षेत्र में बनी गांव में आतिशबाजी के दौरान एक मासूम के हाथ में बम फट गया, जिसे मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। देहरादून के सहारनपुर में एक 32 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। युवक की मौत एक निजी नशा मुक्ति केंद्र में हुई। कुशीनगर में जिला कार्यक्रम अधिकारी पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने डीपीओ पर बदतमीजी से पेश आने गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया। दायर याचिका की सुनवाई कर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पटरोला ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। कासगंज में तीर्थयात्रियों से भरी निजी बस पलटी। बस में सवार 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। उन्नाव में पुलिस से न्याय न मिलने पर जिला न्यायालय गेट के सामने दुष्कर्म पीड़िता ने जहरीला पदार्थ खा लिया। पीड़िता मामले को लेकर एसपी से मिलने एसपी कार्यालय भी पहुंची थी, जहां पुलिसकर्मियों ने उसे भगा दिया।
अलीगढ़ में आयकर विभाग हाजी जहीर के मीट फैक्ट्री में छापेमारी की। फैक्ट्री में गैस लीकेज से 100 लोग बेहोश हुए थे। वहीं फैक्ट्री में बड़ी संख्या में नाबालिग लड़कियां काम करती हैं। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने साल 2023 और 24 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। 2023-24 के लिए आबकारी राजस्व लक्ष्य 4,000 करोड़ रुपए रखा गया, जिसको देखते हुए आबकारी नीति में कई नए बदलाव किए गए। अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार को मानवाधिकार के मुद्दे पर अपनी वार्षिक एनालिटिकल रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में दावा किया कि भारत में मानवाधिकार की स्थिति खराब। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तानी समर्थकों की ओर से भारतीय दूतावास में घुसकर तोड़फोड़ किए जाने की घटना को बाइडेन सरकार ने कड़ी निंदा की। अमेरिका ने हमले की पूरी तरह से अस्वीकार बताया। कनाडा में पत्रकार के साथ खालिस्तानी बदसुलूकी की। कनाडा में भारतीय मूल के पत्रकार समीर कौशल को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में खालिस्तान समर्थित प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी।